press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जीता हुआ मैच कैसे हारा जाता है ये कोई दिल्ली से सीखे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीप प्रकाश और आप देख रहे हैं क्रिकेट फिल्टर। आज मैं बात करूंगा दिल्ली और पंजाब के बीच खत्म हुए मैच के बारे में। आज अच्छा खासा जीता हुआ मैच दिल्ली हार गया। आज गेल के बिना खेलने उतरी थी पंजाब। पहले बैटिंग करते हुए पंजाब का शुरुआत खराब रहा। पिछले मैच के हीरो रहे केएल राहुल नहीं चले, फिर भी टीम ने सरफराज खान और डेविड मिलर के अच्छी पारी के बदौलत 166 रन बना पाई। दिल्ली ने बॉलिंग अच्छी की, संदीप लामिचा ने, राबाडा और क्रिस मॉरिस ने अच्छी बॉलिंग की। पंजाब की इनिंग खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा था कि दिल्ली आसानी से जीत जाएगा, लेकिन जब दिल्ली का पारी शुरू हुआ तो दिल्ली ने अपना पहला विकेट सस्ते में खो दिया। पहले ही ओवर में पृथ्वी शॉ आउट हो गए, फिर शिखर धवन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम को संभाला। उसके बाद पंत और इनग्राम ने भी अच्छी बैटिंग की, पर जब दिल्ली जीत के नजदीक पहुंच गई थी तो पंत ने अपना विकेट सिक्स मारने के चक्कर में गवा दिया। उसके बाद तुरंत मॉरिस भी रन आउट हो गए और यहीं से मैच का रुख पलट गया और दिल्ली हार गया। शायद दिल्ली अपने पिछले मैच से कुछ नहीं सीखा, आज का मैच दिल्ली जीत जाता पर खराब शॉट सिलेक्शन के कारण दिल्ली हार गया। अगर बात करें पंजाब की बॉलिंग की तो सैम करन, मोहम्मद शमी और कप्तान अश्विन ने अच्छी बॉलिंग की। आज तो सैम करन ने हैट्रिक भी लिया। पंत कब तक ऐसा करेंगे, कब वो सिचुएशन के हिसाब से खेलेंगे? ऐसा नहीं कि दिल्ली में सिर्फ पंत ही गैर जिम्मेदारी से खेलते हैं, उनके साथ दिल्ली के और खिलाड़ी भी ऐसा ही करते हैं। आगे ये चीजें सुधरी नहीं तो टीम का कुछ नहीं हो सकता। आशा करूंगा कि टीम अच्छा करे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट फिल्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।